कैसे रहो असम तो गाइस हम तो बोल दे रहे हैं असम। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मैंने इस वीडियो में। सो काफी टाइम बाद मैं आया हूँ यूट्यूब पे। सो बहुत लोग गुस्सा होंगे, बहुत लोग अपसेट होंगे, बट कोई नहीं यार, मैं थोड़ा शादी में फंस गया था। एक कज़न का शादी था मेरे गांव में, तो मैं वहाँ पे चला गया था, तो वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं कर पाया और बहुत टाइम लग गया मुझे यहाँ वापस आने में। सो गाइस मैं आ चुका हूँ भुवनेश्वर। सो गाइस मेरा ट्रेन था टाटा से, और मेरा ट्रेन टाटा से मैं छूट गया था। उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेन लिया विदाउट टिकट, फिर मैं भुवनेश्वर आया। और मेरा दोस्त अभी है नहीं घर पे, अभी गेट लॉक है, सो तोड़ना पड़ेगा, ताला तोड़ना पड़ेगा। सो मुझे ये लगता है ये लॉक तोड़ना पड़ेगा, तो बगल में एक भैया है, मैं उनसे हेल्प लेता हूँ लॉक तोड़ने में, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। सो गाइस मैं उठ गया हूँ यार, बहुत टाइम सो लिया, 12 बज गए और हमने ताला भी तोड़ लिया है। सो ये हमने ताला तोड़ा था गेट का, और ये भैया हैं जिन्होंने मेरा लॉक तोड़ने में हेल्प किया था, ये भैया हैं। सो गाइस मैं जा रहा हूँ कुछ ब्रेकफास्ट करने और हेयर कटिंग कराने। मेरे हेयर आप देख रहे हो बहुत बड़े हो गए हैं, तो मैं आज हेयर कटिंग करूँगा, वो भी 9 महीने बाद मैं अपना हेयर कटिंग करने जा रहा हूँ। सो देखते हैं मैं कैसा लगता हूँ 9 महीने बाद। हेयर कटिंग होना थोड़ा सा लुक में चेंज आएगा, आप लोग को भी पता नहीं कैसा लगेगा, बट मैं हेयर कटिंग करने जा रहा हूँ और लेट्स सी क्या होता है, चलते हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूँ सलून में, द ब्रदर्स सलून नाम है सलून का नाम है, और ये भैया हैं जो मेरा बाल काटने वाले हैं। और मैं ये बाल जो मेरे बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा लंबे हो गए, 9 महीने हो गए मैंने अपने बाल नहीं कट कट करवाए। सो आज मैं अपने बाल का कट करने वाला हूँ भैया। सो कैसा रहेगा मेरा बाल कट करेगा तो? अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा। सो गाइस देखते हैं कैसा लगता हूँ मैं बाल कटने के बाद, तो चलते हैं कटिंग करते हैं। मतलब स्लो करना है अभी, है ना, हल्का सा आगे था ना, आगे से ऐसे खड़ा समझ रहे। सो गाइस फाइनली मेरा हेयर कट हो चुका है, और ये अच्छा लग रहा है यार, क्यों? और ये मानस भैया जिन्होंने मेरा हेयर कट किया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपके सबका नाम क्या है? द ब्रदर्स सैलून। सो गाइस अगर आप लोग उड़ीसा में हैं, भुवनेश्वर आए हैं, तो प्लीज उनके शॉप पे विजिट करें। आपका नंबर बता दीजिए, लोग फोन कर लिया और बुक कर लेंगे। मेरा नंबर है 9337099399। और ये कहाँ पे है? ये है आई केयर कॉलेज, नियर आई केयर कॉलेज। सो ब्रदर्स सैलून, जब भी आप लोग उड़ीसा भुवनेश्वर आए तो प्लीज इनके पास जरूर आए, उन्होंने काफी अच्छा हेयर कटिंग किया है मेरा। और कैसे रहो? असम। तो गाइस हम तो बोल दे रहे हैं असम, आप लोग बोलिए कैसे, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कमेंट अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू भैया। सो गाइस फाइनली 9 महीने बाद मैंने अपना हेयर कटिंग किया है, काफी मजा आ रहा है यार देख खुद को देख के। सो चलते हैं आगे देखते हैं क्या होता है। सो गाइस मेरा हेयर कट तो हो चुका है, अब मेरा प्लान है यहाँ से निकलने का कल टू बरहमपुर, उड़ीसा में ही पड़ता है बरहमपुर, फिर मैं वहाँ से निकलूँगा मैं विशाखापट्टनम, उसके बाद नीचे विजयवाड़ा, फिर चेन्नई, फिर केरला, फिर मैं ऊपर की तरफ कहीं पे साउथ में मैं टूर करूँगा। जैसे कि अभी एक वायरस का वेव आ रहा है ओमिक्रॉन वायरस, जो कि अभी साउथ अफ्रीका से वो इमर्ज हुआ है और बहुत फैल रहा है वायरस, तो मुझे प्रिकॉशन ले कर ट्रैवल करना पड़ेगा सेफ्टी के साथ, इसमें मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। और हाँ यार आप लोग भी थोड़ा रिस्क मत लो, मास्क पहनो और थोड़ा सा ध्यान रखो अपना। और मैं यहाँ से कल निकलूँगा टू बरहमपुर निकलूँगा, उसके बाद मैं वहाँ से हिचहाइक करूँगा टू साउथ, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, चेन्नई, फिर नीचे केरला, फिर देखता हूँ अगर सब कुछ ठीक रहा, वायरस अगर नहीं मतलब इंडिया में नहीं आया तो फिर अच्छी बात है। मैं तो वैसे प्रिकॉशन लूँगा अपना, मास्क पहनूँगा और जो भी है मैं करूँगा अपने, जो सेफ्टी के लिए मेरा ज़रूरत पड़ेगा वो मैं लूँगा। बाकी ये टूर काफ़ी अच्छा होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। सो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को
शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और थैंक यू वॉचिंग गाइज़।